बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा कि कुछ आज शहजादी बनने का मूड था, तो मैंने कहा सेज आगा का एक फ़न सा आउटफिट में पहन के आप लोगों के सामने हाज़िर हो जाती हूँ। वेलकम टू मॉर्निंग विद चिकन एवरीवन। आज की आपकी सुबह हम एक्स्ट्रा खुशगवार बनाने वाले हैं, और वो हम कैसे बनाने वाले हैं वो इस वक्त मैं आपके साथ नहीं रिवील करूँगी, लेकिन आपको उन लोगों से ज़रूर मिलाऊँगी जिनकी वजह से हमारी मॉर्निंग और भी ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत सी फन एक्टिविटीज़ आज सेट पे होंगी। वैसे तो आप पीछे ये केलों की तस्वीरें देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि आज क्या होने वाला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारे पैनल पे बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं, और मैं उन सबको इनवाइट करना चाहूँगी। हकीम सलीमी साहब को बुलाना चाहूँगी, इंटरनेशनली रेनाउन हकीम हैं, और हिकमत के सारे उसूल 100% फॉलो करते हुए मेरे बहुत ही प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। हमने क्या करना है अभी, हमने इनको बताना नहीं है, ठीक है? जरा इनको हमने एंगेज रखना है थोड़ी देर आज, बल्कि आप लोग तो टिप्स शेयर करेंगे, मैं भी कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। अब तो माशाल्लाह हकीम हो चुकी है। नहीं, हकीम तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये वाली बात बड़ी अच्छी की हकीम साहब ने कि जी हकीम बनने के लिए एक अरसा चाहिए होता है, एक पढ़ाई है, एक उसकी बेस बनती है, एक फाउंडेशन बनती है। जब घर को आप एक कमज़ोर फाउंडेशन के ऊपर बनाएंगे तो वो घर कुछ ही अरसे में गिर जाएगा, चाहे वो कितना भी आपने ऊपर से उसको मजबूत बनाया हुआ हो। सो इसीलिए जिसका जो काम है उसको प्लीज़ करने दें। मैं अपने आप को अगर एक प्रोफेशनल हर्बलिस्ट कहूँ तो ये बात गलत होगी। हाँ, मैं हर्बल प्रोडक्ट्स की फ़ैन बहुत बड़ी हूँ, आई अग्री, और मैं खुद भी नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हर्बलिस्ट एंड फार्मासिस्ट और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हकीम को अपना काम हमसे बेहतर आता है। तो जब लोग आपके पास आके आपको बताते हैं कि आप क्या करें, तो ये बात गलत हो जाती है। और YouTube ऑनलाइन ये वो ज़रूर देखें, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि हकीम बनने के लिए या प्रोफेशनल हर्बलिस्ट बनने के लिए या हर्बल एक्सपर्ट या नेचुरोपैथ बनने के लिए वक्त लगता है। अब हम ऐसे दो एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। सबसे पहले तो ऑफकोर्स मेरी बहुत ही प्यारी बहन, हम सब की बहुत प्यारी आपा मिसेस नैयर ज़िकरिया में ज्वाइन करेंगी। शीज़ अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, इनका अपना सैलॉन भी। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सही कहा ना कि जिसका जो काम है उसको करने दे। बड़ा अच्छा मैसेज आ गया। नहीं, बिकॉज होता है ना कि मुझे अक्सर लोग फोन करके या मैसेज करके कहते हैं कि साहब कि जरा ये बता दो कि फलां दवाई जो है वो क्या इस चीज के लिए लेनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहते हैं वो डॉक्टर से रब्ता नहीं हो रहा, तुम भी तो बड़े शोज करती हो डॉक्टरों के साथ। आए हाय, डॉक्टर हजारों साल पढ़ के डॉक्टर बनता है, हकीम इतनी मेहनत करके एक उसको हकीम का टाइटल मिलता है। अदरवाइज यू आर जस्ट मिस्टर सलीमी। आपने मेहनत की है तो आपको हकीम का टाइटल दिया है, और लोग आपको मानते हैं यहाँ पे भी और दुनिया से बाहर। सेम थिंग विद यू आपा, सालों का एक्सपीरियंस है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत अपना, बल्कि बहुत ही यंग एज से अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया टूवर्ड्स नेचुरल हर्बल एंड दोज प्रोडक्ट्स जो आपको डैमेज नहीं करते लेकिन आपकी खूबसूरती को भी बेहतर करते हैं, और खूबसूरती अंदर की और बाहर की। इंटरनल हेल्थ ठीक होगी तो एक्सटर्नल हेल्थ भी ठीक होगी ना। तो बुलाते हैं अपने बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल को। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई को मॉडलिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखना चाहिए था, पता नहीं क्या है इन्होंने अपना टाइम। नेचुरल मॉडल है, नेचुरल मॉडल। और बाय द वे एक ऐसी पर्सन है, मैंने इनका कभी वेट नहीं बढ़ते हुए देखा ना, इनको मैंने कभी, अगर इनकी कभी तबीयत भी खराब हुई तो हमें पता नहीं चला, और शायद इसलिए नहीं होती क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हैं वो फिर अल्लाह ताला अपने कर्म से गुजरते हैं। बेशक बेशक। अच्छा, जहाँ पे हम खूबसूरत बनाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स मेकअप और ये वाली चीज़ तो सभी लड़कियाँ चाहती हैं कि हम अपने आप को ब्यूटीफाई करें, थोड़ा सा इन्हांस करें अपनी ब्यूटी को। तो एक यंग और बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी जिनको मैंने ढूंढ लिया ऑनलाइन, और फिर मैं उनके पीछे ही पड़ गई। पहले भी उनको हमने अपने शो में बुलाया, आज फिर हमने उनको इनवाइट किया है। रिदा सज्जाद जो है, साजिद हमारे साथ हैं, और मेकअप बाय रिदा पेज का नाम है। अस्सलाम वालेकुम। साजिद है या सज्जाद? साजिद, बिल्कुल सही। वो अक्सर जो है ना थोड़ी सी डिसलेक्सिक हूँ तो उल्टा भी पढ़ लेती हूँ। तो रिदा, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखें ना, अब एक स्प्रिंग का सीजन आने वाला है, आपको पता है फरवरी में लोग तैयारी करना शुरू हो जाते हैं मार्च अप्रैल की, तो
इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़ी एक नेचुरल सी और प्यारी सी लुक, और हमने आपको टास्क दिया है, हमने वार्डरोब जो है वो येलो बनाई है, क्योंकि हर जगह हम बनाना की तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बनाना को मतलब जाना चाहिए। तो हमारी जो बहुत ही प्यारी सी मॉडल है उनको भी मैं सेट पे बुलाना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी आमिना खान हमारे साथ है, उनको भी हम सेट पे बुला लेते हैं। और अब ये जो टास्क है येलो येलो को मद्देनजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, स्प्रिंग में और इस टाइम पे जो बाहर का मौसम है उसमें जब हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो फिर मेकअप कैसा होना चाहिए, और ये आपने मद्देनजर रखना है कि क्योंकि डे के और नाइट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी सी हमने लुक बनानी है। बिल्कुल, उसके लिए मेकअप हमें बहुत सॉफ्ट रखना है, बिकॉज अगर कलर ब्राइट है तो इट मीन ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उतना ही ब्राइट कर देना मेकअप को, मतलब जो हमारा मतलब नो मेकअप टाइप कलर है एग्जैक्टली उसको ही हमने अपने आईज पे कर देना है। लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे अभी, अभी हमने बताना, हर बात नहीं बतानी ना। ओके ओके, नहीं बताना हमने हर बात का, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करनी है, और एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर हमारे साथ होंगे, उनका हम सॉन्ग सुनेंगे। मैंने कहा कुछ साथ साथ आप लोगों को काम, देखिए काम जब कर रहे होते हैं ना तो जब म्यूजिक सुनते हैं ना तो हम कहते हैं मौसीकी रुकी फ्रेश हो जाता, तो इंसान फ्रेश हो जाता है। तो कुछ हमने बातें भी बतानी है, सिखानी भी है, म्यूजिक भी सुनना है। बहुत ही ब्रिलियंट मुमताज अली हमारे साथ होंगे, पाकिस्तानी फिल्म पंजाबी फिल्म के आपने गाने गाए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेबैक सिंगर एंड अदरवाइज ब्रिलियंट परफॉर्मर, तो उनसे भी मुलाकात होगी। ये सब होगा और क्या होगा ब्रेक के बाद।
बात है, वेल डन मुमताज भाई, क्या बात है। आइए आइए बैठिए। आज हमने कहा कि मुमताज भाई आप भी हमें ज्वाइन कर लें, कुछ ये भी जानेंगे कि आजकल आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात हम आज करेंगे केले से रिलेटेड, बनाना। केला एक ऐसा अमेजिंग फ्रूट है जो किसी मौसम का मोहताज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पूरा साल केला अवेलेबल होता है मार्केट में। अब केला पूरा साल जब अवेलेबल है मार्केट में तो इसमें क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम हर वक्त कहते हैं कि भी बनाना का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आप उसको स्मूदी में इस्तेमाल करें, ऑब्वियसली छिलका तो आप उसका यूज़ नहीं करते खाने के लिए, लेकिन इसके हर हिस्से का बहुत फ़ायदा है। आज मैं आपके साथ एक अपनी पर्सनल फेवरेट टिप भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है जो मैं भी अपने फेस पे, एक दफ़ा हुआ ये कि घर में केले जो हैं वो आए तो काफ़ी केले ख़राब हो गए क्योंकि काफ़ी देर तक यूज़ नहीं हुए, कुछ खाए गए कुछ नहीं खाए गए। तो जब केले काले होने शुरू हो जाते हैं या ज़रा डार्क होने शुरू हो जाते हैं तो लोग फिर उनको यूज़ नहीं करते, बच्चे तो बिल्कुल भी उसको हाथ लगाने से इनकार कर देते हैं। तो अब उसका आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बनाना ओवर राइप हो गया है या मतलब अब आपको नहीं लग रहा कि कोई खाएगा या आप ही उसे खाएंगे, तो आप उसका एक फेस पैक बना सकते हैं। अब बनाना में है क्या क्या, जब तक मैं बनाना को मैश कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से तब तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय द वे मेरे फेस पैक में इंग्रेडिएंट्स कोई इतने ख़ास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर इंग्रेडिएंट उसमें डल रहा है इन इटसेल्फ बड़ा ख़ास है। ये फेस पैक बाय द वे उन लोगों के लिए भी बड़ा यूज़फुल है, ख़वातीन के लिए जो प्रेगनेंट हैं, जो एक्सपेक्टिंग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद रहता है। बल्कि मैं जब नूर को एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैंने भी इसका इस्तेमाल किया था। अब ये देखें ना, बिल्कुल जैसे एक पेस्ट होती है ना, उस तरह से हमने बनाना को मैश कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसको मैश करना है। बाय द वे एक नॉर्मल जो केला होता है, जो हम लोग इस साइज़ का बनाना होता है, इसमें 112 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 100 से लेकर 120 तक कैलोरीज होती हैं, साइज़ पे डिपेंड करता है। इसमें 0 ग्राम फैट होता है, प्रोटीन भी इसमें 1 ग्राम होती है, 29 ग्राम्स इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब भी आप बनाना का यूज़ करें तो ये याद रखें, एंड बाय द वे बनाना को वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आपने वेट गेन करना है तब भी आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए एक बनाना और मिल्क की डाइट है कि आपने 8 केले खाने हैं दिन में और 3 ग्लास दूध पीना है, लो फैट मिल्क जिसको हम कहते हैं, और यही आपकी पूरे दिन की खुराक होती है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक एक हफ्ता ये वाली डाइट की है और इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। लेकिन जो प्योर बनाना डाइट होती है उसमें कुछ तो आपके पास आ रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। तो ये हमने बनाना को मैश किया, आपने इसमें 1 टीस्पून एक चाय की चमची आपने इसमें शहद डाल दिया। प्लीज़ कोशिश करें कि प्योर हनी का इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम प्योर चीज़ों से काफ़ी दूर होना शुरू हो गए हैं इसीलिए। तो और विटामिन सी के सीरम के, अगर आपके पास विटामिन सी के नहीं है तो इट डजंट मैटर, आपको डालनी ज़रूरी नहीं है। मैं तो इसको एक्स्ट्रा पोटेंट बनाने के लिए इसमें 5 ड्रॉप्स जो हैं वो विटामिन सी के डाल रही हूँ। विटामिन सी का जो ऑयल होता है या सीरम होता है, नूर बाय जुगन काजिम के भी ओपनली अवेलेबल, हर चीज़ मतलब विटामिन सी का तो सीरम ऑलमोस्ट हर ब्रांड में अवेलेबल है। ये आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया, फेंट लिया, जब शहद और विटामिन सी का सीरम इसमें मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको लेट जाए फेस और नेक के ऊपर, आप इस फेस पैक की तरह इसको लगा दें 15 मिनट के लिए। आप इसको छोड़ देंगे, आप अपने हाथों पे और अपने पैरों पे भी लगा सकते हैं, जिनके हाथों और पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा सन वगैरह का एक्सपोजर होता है। ये मर्दों के लिए भी बहुत बेहतरीन है जो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे हाथ पैर बहुत डार्क हो जाते हैं। वेरी सिंपल, एक केला मैश करके डाला, उसमें एक आपने चाय की चम्मच शहद की भर के डाली और उसमें आपने 5 कतरे विटामिन सी के सीरम के डाल दिए और यू आर गुड टू गो। 15 मिनट के लिए आपने फेस एंड नेक पे लगा के छोड़ा या हाथों पे पैरों पे, और उसके 15 मिनट के बाद पानी के छिट्टे मार के, गर्म पानी के नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोसा गर्म पानी हो, वैसे तो ठंडा हो तो बेस्ट है, और आपने उसको वॉश ऑफ कर लेना है, ना साबुन लगाना है ना कुछ और लगाना है, आपकी बड़ी अच्छी तरह स्किन नरिश्ड और मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। उसके बाद मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है तो कोई नेचुरल या ऑर्गेनिक मॉइस्चराइजर लगा लें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा ये कर लें और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो हमारे एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्चुअल हर्बलिस्ट हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है और मेकअप का क्या स्टेटस है, ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद।
रिदा साजिद क्या कर रही हैं आप? बस इनका ब्लश हो गया है, बेस हो गया, बस आईज मेकअप। अच्छा, बेस कैसे बनाई पहले ये तो बताओ ना। मैंने बेस जो है वो इनके जो थोड़े से डार्क सर्कल्स थे वो ज्यादा थे, उसको मैंने कवर करने के लिए FS36 क्रेलॉन की यूज की है। उसके बाद मैंने क्रेलॉन का ही दूसरा नंबर है वो मुझे भी आई थिंक थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं, बट वही मैंने लगाया, थोड़ा सा डार्क टोन में ही इनका जो है वो मैंने रख के बेस बनाई है। अब हम लोग जब आप बहुत ज्यादा लाइट बेस लगा देते हो ना व्यूज, मुझे पता है कि लाइट बेस उस वक्त जब लगाते हैं तो कहते हैं ओ मेरा चेहरा बड़ा गोरा लग रहा है, लेकिन वो टाइम के साथ ग्रे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो मेक श्योर के आप फेस के टोन के साथ मैक्सिमम एक टोन लाइटर या एक टोन डार्कर जाएं। कुछ लोग डार्कर स्किन टोन भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो वो ऑरेंज में चली जाती है, और बहुत लाइट कर देते हैं ग्रे में चली जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। जी, और अब हम इनकी आईज पे किस किस्म का मेकअप करेंगे आज? आज हम इनकी आईज पे मैट मेकअप करेंगे, ब्राउन्स में एंड ब्लैक, लाइट ब्राउन्स में, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड ब्लैक में। ठीक है, मुख्तसर सी चीजें हैं आज, केले के छिलके हैं, केले हैं और केले का पत्ता है, मगर इसमें बहुत कुछ है जी। अच्छा, एक तो गजाइयत से भरपूर फल है, एवरी सीजन अवेलेबल है, और ये इसकी इतने ज्यादा फायदे हैं। हम आम तौर पर इसी केले के इर्द गिर्द घूमते हैं, केले के जो बाकी अज़ा, मतलब केले के अंदर जो सिर्फ खाने का हिस्सा है उस पर पत्ते, इसका तना, इसकी जड़ें, सारी चीज़ें, और इवन के आज हम एक रेसिपी भी बताएंगे छिलकों की। केले के जो पत्ते हैं वो तो आप थाईलैंड वगैरह में जाएं, ओरिएंटल कंट्रीज में जाएं, तो वो केले के जो ये पत्ता है इसके अंदर फिश को डाल के उस पर मसाला जात लगा के इसको रैप करके पकाते हैं, और उसके भी बड़े फायदे हैं, क्योंकि जो पत्ते के बेनिफिट्स होते हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। जी हाँ, इसमें देखें केले के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, नाइसिन, फोलेट, ये सारी चीजें जो गजाइयत से भरपूर एक इसको बनाती हैं फल, और फाइबर। जी हाँ, फाइबर, कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज हैं, म्यूसिलेट्स हैं, फाइबर हैं, तो इसमें ये इतनी, ये बच्चों की नशोनुमा से हम काम का आगाज करते हैं, ये बच्चों की नशोनुमा के लिए बड़ी शानदार चीज है। आमतौर पर आजकल हम अक्सर माओं से सुनते हैं कि बच्चों की नशोनुमा ठीक नहीं हो रही, इनकी हड्डियाँ कमजोर हैं, या कद नहीं बढ़ रहा, तो इसके अंदर ऐसी अज्जा हैं कि बच्चे को अगर इसका मिल्क शेक बनाकर, और मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ कि इसके एक दो केले, दूध और 5 गिरियां बादाम की डाल लें, तो ये एक मिल्क शेक बनाकर बच्चे को डेली पिलाना शुरू करें, बच्चों की नशोनुमा भी बेहतर होगी, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसका कद भी सही। अच्छा, चीनी से बचने के लिए आपको पता है मैं क्या करती हूँ? वैसे तो केला खुद इतना मीठा होता है, आपने दूध 5 बादाम की गिरी और वो दूध डाल दिया, दूध, बादाम और केला, उसके अंदर आप 2 खजूर भी डाल दें। जी हाँ, जरूरत नहीं है, टोटल बच्चे का नाश्ता तैयार हो जाता है आपका, बेहतरीन, बीज निकाले, खजूर खुद उसमें मैगनीज बहुत जबरदस्त है, और वो उससे ना पेट भी भर जाता है, जो बच्चे सुबह नाश्ते पे तंग करते हैं उनको ये एटलीस्ट पिला दे तो कम से कम आपको ये हौसला, और अगर एक उबला अंडा साथ खा ले तो क्या ही बात है, नहीं खाते तो चलो एटलीस्ट ये शेक पिला के भेज देंगे, तो बच्चा एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप स्कूल में कहीं बेहोशी ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब छिलके देख रही हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने खा कर छिलके रख दिए, और हमने कहा तो इसको इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है वो। अच्छा, उसमें कैसे है कि हम आमतौर पर 4 केले खा गए, और अच्छा ये छिलके हम आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं, किसी काम नहीं आते, तो इसका एक हम ऑयल बनाएंगे छिलकों से, इसको हम बनाना ऑयल, ठीक है, बेस ऑयल यूज़ करेंगे बादाम, वैसे जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 केले के छिलके और 4 चम्मच बादाम तेल, ठीक है ये। अच्छा, इसको पहले छोटा छोटा पीस में काट लें और इसको मैश कर लें छिलके को, जब बिल्कुल मैश हो जाए तो बादाम रोगन में इसमें मिक्स करके धूप में रखना है, ठीक है, 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, और इस दौरान थोड़ा सा हिला दें जब मौका मिले, 2 दिन में 2-3 दफ़ा, 3 दिन बाद ये इसको छान के रख लें, ये केले का रोगन तैयार है। ये एंटी एजिंग बेहतरीन है, जिनकी लाइनिंग बननी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो तेल लगाएं तो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये तेल जो है। इसके अलावा जो खसार में खुश्की होती है, और अक्सर लोगों में देखा गया है किसी के लिए खुश्की वगैरह, तो ये ऑयल उसके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है।
और ये स्किन के बहुत सारे मसाइल के लिए जो ब्लेमिशेज वगैरह बन जाते हैं और निशानात हैं उसके लिए भी फायदेमंद चीज है। अच्छा, इसको ड्राई करके कट करके ऑयल में ताजा इसी तरह फ्रेश जो है वो, अच्छा ठीक है, तो उसी को चॉप करके आपने बादाम के तेल में डाल दिया, यानी कि एक छिलका है तो उसमें एक चम्मच बादाम का तेल है। हाँ जी, चार छिलके हैं और तो चार टेबल स्पून आपने उसमें वो डाल दिया। ठीक है, ठीक है, एक तो ये इसका हो गया। अच्छा, इसके इसको किस तरह यूज करें? इसके जो पत्ते के जो इस्तेमाल है, देखिए ना, इसका इतना बड़ा सा एक लीफ होता है। हाँ जी, ये ना आमतौर पर फीमेल्स में एक मामला आता है मेनोरेजिया, इसमें ज्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस छिलके को पाउडर करके खुश कर लें, उसका पाउडर करके यूज करें। हाफ टी स्पून पानी के साथ, या जो हमारी रवायती तौर पर शरबत अंजुबार के साथ, हम अंजुबार एक जड़ होती है उसका शरबत बनता है और वो मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ अगर दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल करें, जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है उनको बड़ा फ़ायदा होता है, ब्लीडिंग के लिए ठीक है, बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा हम आमतौर पर देखते हैं कि डायसेंट्री वगैरह, अक्सर बच्चों का पेट ख़राब रहता है, बड़ों का भी, सबका, और वो बड़ी कमज़ोरी फील करना शुरू कर देते हैं, सही, उसके लिए केला बड़ी शानदार चीज़ है। मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ कि इसमें दही लें एक प्याली और उसमें एक दो केले उसमें मिक्स करके और वो खिलाएं, जिनको ये मोशन लगे हों, इसहाल आ रहे हों, तो उनकी ये बेहतरीन डाइट भी है। एक्चुअली होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो तो भी आपको कहते हैं कि केले खाएं, जब आपका आपका पेट चल जाता है तो तब भी कहते हैं कि केला खाएं। ये एक बहुत ही मिरेकुलस फल है व्यूअर्स, और आप जैसे कि मैंने कहा, वेट गेन भी कराता है, वेट लूज भी कराता है, इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है आपके। और बाय द वे, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको तो अक्सर ट्रेनर्स वगैरह को आप सुनेंगे कि अंडे का और केले का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छी रहती है। अच्छा, आपके गुर्दों की फंक्शन को बेहतर करता है पोटाशियम, है ना, इसमें ये डायुरेटिक है, इसके खाने से पेशाब खुल के आता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं ना व्यूअर्स, ये यही रीजन है कि आप बीमारी से बचे रहें। जी हाँ, जब आप ज्यादा मसाइल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो केले को कैसे इस्तेमाल करें? आपने कहा अगर पेट चला हुआ है तो दही के साथ यूज कर लें। इसमें ना बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, मतलब जो रेशादार अज्जा हैं, या इसमें म्यूसिलेट्स हैं, जो लेसरे अज्जा हैं, या जो है ना रेशादार अज्जा होते हैं, ये हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको अंदर ग्रिप कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या मुख्तलिफ किस्म के जो जरासीम हैं वो मोशन का बायस बनते हैं। सेम इसी तरह जब आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो होती है या वहाँ पे खुश्की होती है, तब भी तो ये जो फाइबर है वो पानी को अपने अंदर जज़ब करता है और ये बल्क बना के निकाल देता है। दोनों सूरतों में, कब्ज़ में भी और डायसेंट्री में भी, इसलिए ये फ़ायदेमंद है कि इसके अंदर फाइबर्स हैं और इसमें म्यूसिलेट्स होते हैं। अमेजिंग। अच्छा नैयर आपा, आप हमें क्या बताएंगी और हम क्या आपसे बनाना सीखेंगे? ये व्यूअर्स, इसके लिए आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा, अभी डॉक्टर फैसल के पास भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, बनाना एक ऐसी चीज़ है, उसकी बड़ी वेरिएशंस हैं और इन सब वेरिएशंस को ही हम डिस्कस करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को सर्टन तरीके से कंबाइन करें तो वो आपको बेनिफिट्स देता है, और कभी कभी गलत तरीके से इस्तेमाल करें। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो छः छः केले दिन में खा लेते हैं। अब अनलेस आप बॉडी बिल्डर हैं, छः केले की आपको दिन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक केला ज़रूर खाना है। तो जब हम कहते हैं कि बैलेंस के साथ या मियाना रवि के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमारा यही मतलब होता है कि बैलेंस के साथ चीज़ों को लेके चले। हम व्यूअर्स यहाँ से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो नैयर आपा भी हमें गाइड करेंगी, हमारे साथ ऑफकोर्स मुमताज भाई भी हैं, उनसे भी मज़ीद हमने सॉन्ग सुनना है, तो गाइडेंस ही गाइडेंस, म्यूज़िक भी, हल्ला गुल्ला भी, एक बड़ी प्यारी सी स्प्रिंग की लुक भी तैयार कर रहे हैं, ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आज मेरी जिम्मेदारी केले मैश करने की लगी हुई है सेट के ऊपर। शुरू में क्या केला मैश कर दिया आपने, तो मुझे मैशर ही बना दिया। जी आपा, क्या करने लगे? हाँ जी, वही बात कर रहे हैं कि अगर केले घर में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा नरम हो गया केला, खाने को दिल नहीं कर रहा, बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, स्प्लिट एंड्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, केले को मैश कर लेना है। ज़्यादा लंबे बाल हैं ठीक है तो दो ले लेंगे, अदरवाइज़ एक केला जो है वो बहुत है। अच्छी तरह से केले को मैश करके उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल देनी है।
ठीक है जी। 1 टेबल स्पून आपने फ्रेश क्रीम डाल के उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हेयर है तो उसके अंदर जो है वो आप बादाम का या जो भी आपके घर तिलों का तेल, वो हमारा बादाम का तेल आ गया। हाँ, ये बादाम का तेल 1 टीस्पून या ऑलिव ऑयल, दोनों में से 1 ऑयल आपने डालना है। इसको आप मिक्स करके ये आपकी जो है वो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाएगी। आप ऑप्शनल है कि अगर आप बेशक अंडा डालना है तो आप अंडा डाल लें। अगर अंडा आपको स्मेल बुरी लगती है, सूट नहीं करता, कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो ये 3 चीज़ों के साथ ही आपकी बहुत परफेक्ट जो है वो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बनेगी। हेयर को वॉश करके आपने रूट्स लेंथ एंड पे जो है वो इसको लगा लेना है और शावर कैप पहन लेनी है या आप शापर जो है वो चढ़ा लें ताकि थोड़ी सी आपके स्कैल्प में जो है वो हीट हो। और अगर आपके पास ड्रायर है तो आप हल्का सा उसी शावर कैप के ऊपर थोड़ा सा ड्रायर कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो अंदर से गर्म होगा तो आपके क्यूटिकल्स खुलेंगे और ये क्यूटिकल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल उसको मैश करने में मतलब आपको वो स्मूदनेस नहीं आ रही जो आप चाह रहे हैं, हाँ, तो इसको आप ब्लेंड कर भी कर सकते हैं ब्लेंडर में डाल के, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म बन जाएगी लेकिन लेंथ और एंड्स पे और रूट्स पे लगाने के ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। हाँ, बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके बाद जो है वो जुगन बैठे हुए फारिक कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, बट नकल्स आपके जो है वो ब्लैक हुए में बहुत ज़्यादा, हाँ, कोहनियाँ ब्लैक हैं बहुत ज़्यादा, आप क्या करें कि इस तरह से जो है वो आपने केला खाया है और आप इसका जो है वो छिलका ले लें, इसी छिलके के ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो दालचीनी का पाउडर, क्योंकि जुगन दालचीनी के पाउडर के अंदर जो है वो ये क्वालिटी है कि ये डेड स्किन को जो है वो रिमूव करता है, उतार देता है ब्लैक अगर आपकी पैची स्किन हो रही, ठीक है। इसी के ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल लें, सिंपल, और कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दालचीनी है ये आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगी और जो बनाना है ये मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को। तो आप बैठे जो है वो इसको अपनी नकल्स पे ऐसे ऐसे करके, ये देखें ना, अपनी नकल्स पे इसको रब कर लें, आपकी कोहनियाँ ब्लैक हैं, एल्बोज बड़े लोगों के होती हैं एल्बो कोहनियाँ जो है, और उसके अलावा गोडे, हाँ, नीज भी, बहुत से बच्चे जो हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर खेलते कूदते हैं, हाँ, ये बाय द वे टिप्स सिर्फ हम आपके लिए नहीं देते ख़वातीन के लिए, ये मर्द हज़रात के लिए भी बड़ी ही यूज़फुल हैं। बाय द वे आप इसको रब करेंगे थोड़ी देर और आप ख़ुद नोट करेंगे कि आपके नकल्स का रंग बहुत बेहतर हो जाएगा, और मेरे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाथों से अपना काम करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हाथ जो हैं और पैर जो हैं, स्पेशली हाथ जो हैं, उनके नकल जो हैं वो डार्कर साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, ये कितनी देर करना है? हाँ जी, इसको 3 से 4, आपको फील होगा कि जो है ना जैसे आप मसाज करते हैं हल्की से सेंसेशन सी जो है वो फील होगी, क्योंकि दालचीनी की ये क्वालिटी है, तो इसको कम से कम आप अपनी पूरी इसके ऊपर 5 मिनट के लिए जो है वो, अभी जैसे हमने मसाज कर लिया, हाँ जी, और इतने रहने भी दें, अगर रहने दे सकते हैं, बिल्कुल रहने दे, जज़ब होगा। अच्छा, नेक पे एक मोटी सी जो है वो जुगन एक लेयर सी ब्लैक बन जाती है फैट की, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि इसके ग्रेन्स होते हैं ना दालचीनी के, तो वो स्क्रब के तौर पे भी बड़ा, स्क्रब के तौर पे भी, और ये स्टिमुलेट करेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ाएगा, और जो टैनिंग है चाहे वो सन बर्न की वजह से हुई हुई है या मौसम की वजह से या आपने निगलेक्ट किया हुआ है अपनी इन चीज़ों को, आप प्रॉपर जो है वो नहाते वक्त जो है वो झामा इस्तेमाल नहीं करते, लुफा आप रखें, जाली कोई भी जो है वो आप रखें, तो लाजमी आप जब भी नहाएं तो इनको आप करेंगे तो कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक। अब देखिए व्यूअर्स, मैं ये क्यों कर रही हूँ ऑन एयर आपके सामने कि देखिए अभी मैंने ये लगाया, हम ब्रेक में जाएंगे जब, तो उसके बाद मैं जाके अपने हाथ वॉश कर लूँगी और मेरा काम डन हो गया। आप भी बैठे बैठे ये चीज़ कर सकते हैं, अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं प्लस के ऊपर, या अपनी कोई मतलब ऐसी चीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को साथ साथ करते रहें। ब्रेक आई, आपने जाके हाथ धो लिए, हाथ धो लिए। देखिए फेस मास्क वगैरह के लिए तो हम कहते हैं कि अगर लगाया है तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाएं, लेकिन अगर ये काम कर ही रहे अपने ऊपर थोड़ा सा तो मेहनत करें ना। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा वो करने के लिए, कभी मैं भी अपने लिए कुछ करती हूँ या करता हूँ, सारी दुनिया के लिए चीज़ें करते हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद जो पफी आईज होती हैं, इतने महंगे जो है वो आई पैड्स मिलते हैं, खीरे मलमल के आंखों के ऊपर, आप सिंपल केले का ये देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा हमारी जो मॉडल है जामना, उनकी आईज अंडर आईज के ऊपर बहुत डार्क सर्कल्स, बहुत डार्क सर्कल्स हैं, आप देखें इस तरीके से ये आपका आई पैड भी बहुत नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लड़की हमारी इतनी प्यारी है, बट मतलब हर बंदे के चेहरे पे एक चीज होती है। हाँ जी, बिल्कुल। इससे अच्छा ये देखें, इतना सा छिलका लिया, ये आपके आई पैड बन गए।
आप इसके ऊपर जो है वो विटामिन ई का जो है वो एक कैप्सूल लेके आप हाफ हाफ कैप्सूल जो है वो इन दोनों के ऊपर लगा के और आप जो है वो अपनी आँखों के नीचे इसको रखें। आपकी चाहे रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये आपके ज़बरदस्त आई पैड्स हैं, आप आंखों के नीचे इसको रखें। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करें और कोशिश करें कि आप ना इस तरह से लेटें बेड पे कि आपका जो सर है थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन हो ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी फेस की तरफ आए, तो इसका डबल इफेक्ट होगा। सही, रिंकल्स को भी ये ख़त्म करेगा, आपकी जो है वो पफिनेस है उसको भी ख़त्म करेगा और आपके डार्क सर्कल्स को भी जो है वो ट्रीट करेगा। यू सी द पॉइंट इज व्यूअर्स, गुफ्तगू करते हुए मैं अपने नकल्स का ख्याल कर रही हूँ, आप हमारी बात सुन रहे हैं, टीवी देख ही रहे हैं, अगर बैठ के देख रहे हैं तो लेट के देख लें और अपनी अंडर आई पे ये रख लें, ये रख लें, बहुत सिंपल है। मतलब इतना उन्होंने आपको सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके बता रही हैं, आप हकीम साहब ने भी जो हमें हल बताए हैं ये बड़े ही सिंपल और वो हैं, आप पे डिपेंड करता है ना आप कितने विलिंग है इस तरफ अपना जी बिल्कुल रुख करने के लिए। वो चीज़ें जो घर के अंदर आपके जो है वो मौजूद होती हैं, केले हैं अगर बच्चों वाला। अच्छा मैं एक गाइडेंस दूँ, यही केले वाली बात जो आपने कही है ना कि आपने विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए, आप विटामिन ई के कैप्सूल डालने के बजाय अगर इस पे विटामिन सी के कुछ कतरे लगा के जहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन का इश्यू है वहाँ पे अगर रख देते हैं, जैसे कि झाइयाँ पड़ जाती हैं उस जगह पे, अगर आप केले के ऊपर वो होता है ना कि लगा देते तो उतर आता है, आपने लगा के छोड़ दिया, डेली आप ये 15 मिनट के लिए करें, आपको जेन्युइन फर्क पड़ेगा। नो डाउट विटामिन सी आपको पता है और बनाना जो है मॉइस्चराइज करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। तो आपने बस एक सिंपल सिंपल सी ये टिप्स हैं, आप इनको ट्राई करें, शो देखते देखते ट्राई करें, यही तो हम कह रहे हैं, एक दफा आप करेंगे आप खुद ही एडिक्ट हो जाएंगे। और ये छोटी छोटी सी टाइम फैक्टर बड़ा इसका कम है। अच्छा और क्या आप? हाँ जी, अच्छा डैंड्रफ हो जाती है जो बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में खासकर, क्योंकि गर्म पानी से जो है वो नहाना होता है, ऑयलिंग को जो है वो आप अवॉइड कर रहे होते हैं, उसके लिए भी जो है ना वो जुगन, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि मालिश हम क्यों करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और जो ऑयल है वो पेनिट्रेट हो आपके स्कैल्प के अंदर। तो अगर आप सिंपल जो है वो जो भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है या बादाम का जो भी आप ऑयल अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक चाय की चम्मच अगर आप उसके अंदर दालचीनी का साथ पाउडर मिक्स कर लेंगे और उसको आप अपने स्कैल्प में लगा दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। हाँ जी, अगर हम ये दिखा सकें तो ये देखें नकल्स जो हैं वो लाइटर हो गए हैं, यही आप लोगों से बात करते करते अभी ऑब्वियसली पानी से थोड़ा सा इसको वॉश कर दूंगी, बट ये देखो जो थोड़े थोड़े डार्क हुए हुए थे ना वो नीट हो गए। तो उसमें ये है कि दालचीनी जो है ना वो जुगन, इसकी ये क्वालिटी है कि ये स्टिमुल चुभती है, आप देखेंगे हाथ के ऊपर भी थोड़ा गीला करके लगाएंगे ना तो चुनबुन सी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, चुनबुनेशन। हाँ जी, तो उसमें ये है कि ब्लड सर्कुलेशन को ये तेज करता है, हर एक अपना थोड़ा सा वर्ड हम लोग चुनबुन सी कहते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि आपको मालिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से जो है वो आपका जो है वो दालचीनी मसाज करेगी। ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होगी, आपके जो क्यूटिक, आपके जो फॉलिकल्स हैं बंद है वहाँ पे डैंड्रफ जमी हुई है, एक तरह हेयर स्क्रब का ये काम देगा। हम हर जगह स्क्रब करते हैं ये भूल जाते हैं कि जड़ों में भी चीज़ें फंस जाती हैं, तो उसको भी मैनेज करना होता है। अच्छा यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब इतने टैलेंटेड सिंगर हमारे साथ हैं तो कुछ उनसे गाना सुनते हुए आएंगे और फिर फैसल भाई से भी जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं ब्रेक के बाद।
कौन टूर गई इतना दुख, महंगाई की भी शिकायत कर दे, क्या मसला है? मसला बस सब कुछ बता दे आज व्यूअर्स को। मसला ये जी के जो हालात चल रहे हैं उसके मद्दे उसको मद्दे अच्छा ये बताए कि आजकल काम में क्या मसरूफियात हैं आपके? माशाल्लाह फिल्म के सॉन्ग्स पंजाबी हो, उर्दू हो, जी वेरियस लैंग्वेजेस में आते रहते हैं, क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जी, और फिर कुछ फिल्म्स के लिए काम कर रहा हूँ, बस ये चल रहे हैं सारी चीजें। ऑसम, अब मैं आपको रेस्ट करने देती हूं। अभी आपने आपसे बड़ा काम कराया है, बल्कि नाज भी साथ-साथ करा लिया। मैं इतना पसंद आया गाना, मैंने कहा मैं भी साथ करूंगी थोड़ा बहुत मूवमेंट। अच्छा एक्साइटमेंट आ गई ना प्रोग्राम में। अब क्या गाना था और क्या गाना है भाई ये मेरा, ये मैंने अपने गाड़ी में रिपीट पे चलाना है। अच्छा हम क्या करने जा रहे हैं, बेचारे केला अकेला सा रह गया। अब मैं आपको एक बनाना पैनकेक बता देता हूँ, खाने के लिए, खाने के लिए, और उसके अलावा आपको एक हर्बल टी बताऊंगा। अच्छा आजकल बनाना पैनकेक का ना बड़ी बात हम लोग सुन रहे हैं बार बार कि उसको खाना चाहिए और वो हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, और जो नॉर्मल वो जो दूसरे मैदे के सिर्फ प्योर पैनकेक बनाते हैं उससे तो बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। अच्छा इस वक्त तो मेरे पास मैदे ही है, लेकिन आप इसको किसी भी आटे के साथ, ओट्स के साथ तो सबसे बेस्ट जाता है, और इसका उसके साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके हम बेटर तैयार। हाँ, देखिए ना प्लेन मैदे से तो बेहतर है ना, आपने मैदे के साथ जब बनाना को कम्बाइन कर दिया तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा बट बनाने का तरीका, एक कप हम डालेंगे मैदा। अच्छा और बनाना हमने कितना डाला है? हमने तकरीबन अगर बड़े साइज के हैं तो 3, और इसमें डालेंगे। ठीक है मैं उसे देख लूँ ना कि अच्छा पूरा हमारा कप हो गया, ये हमारा कप आ गया। अभी केला नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ। इसमें हम एक चुटकी भर नमक डालेंगे। ठीक है, ठीक है, एक टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। टीस्पून बेकिंग पाउडर, मेजरिंग स्पून यूज करें तो वैसे बेहतर होता है जी। हाँ जी। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा जो है शहद डालेंगे, शहद और वनीला इसमें लिक्विड इसमें डालेंगे, सॉलिड इसमें हमारे चलेगा। ठीक है ना, जून सा हमारा। अच्छा आपको वैसे इसमें डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मीठा, क्योंकि बनाना खुद बड़ा मीठा होता है, बट डेफिनेटली आप अगर डाल दें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, शहद तो वैसे ही एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, इसमें हम डालेंगे एक अंडा। अच्छा इसकी मेजरमेंट जून से आपने एक एक की रखनी है। अच्छा और एक टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाल दिया। हाँ राइट, जरा से कम कर दें, आधी टीस्पून, आधी टीस्पून, क्योंकि वनीला एसेंस का टेस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे अगर आपको वनीला बीन मिल जाए वो तो जबरदस्त, क्या ही बात है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, लो फैट डाल लें, कोकोनट मिल्क डाल लें, कोई सा भी डाल लें, बहुत थोड़ा सा, सही इसको मिक्स करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हम मैदा डालना शुरू करेंगे। अब इसमें इसको फोल्ड कर लेंगे, और हम इसका बिल्कुल मलाइम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसा रखेंगे चंकी सा, थोड़ा सा चंकी सा। हाँ, केला जोन सा, उसको हम बिल्कुल इसको फेंट लूं या इसको फोल्ड करूं? फोल्ड कर लीजिए, इसको फोल्ड कर लूं। ठीक है जी, फिर इसको सारे को इस तरह डाल के प्रॉपर तरीके से हम इसको फोल्ड करते हैं। अच्छा फोल्डिंग का मेथड ये है व्यूअर्स, अक्सर लोग जो है वो फोल्ड करना है को उनको समझ नहीं आती। हाँ। फोल्ड का एक्चुअली मतलब है कि इस तरह करके ना जैसे हम तय इसको लगा रहे हैं, बीट नहीं करना, फोल्ड करना, बीट नहीं करना, फोल्ड करना है। बीट करेंगे तो उसमें फिर डिफरेंट तरीके से हवा जाती है। बेकिंग में और इस किस्म की जो कुकिंग है ना इसमें हमें बड़ी ध्यान करनी पड़ेगी। इस स्टेज पे हम जो है इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर। ये हमने बटर जो है मेल्ट किया हुआ है, 3 इसमें हमने टेबल स्पून इसके डाल दिए। अच्छा मैं इसको अब फोल्ड करती रहूँगी, और जब हम वापस ऑन एयर आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने तैयार कैसे करना है, अब इसको बनाना कैसा है। नॉन स्टिक आप अपना जो है वो एक फ्राई पैन या तवा रेडी कर लें। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पैनकेक्स का हमारा ये बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो गया। मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ, यही बैटर अगर आप किसी पैन में डाल के इसको बेक कर लें तो ये आपका बहुत मजे की बनाना ब्रेड बन जाएगी। इसमें थोड़े से अगर आपको वॉलनट से एलर्जी नहीं है नट्स वगैरह से तो वॉलनट भी चॉप करके डाल दें तो ये बनाना ब्रेड की परफेक्ट। बहुत आला आपकी और वो मिल गई टिप। अच्छा अब ये वाला ले लेते हैं स्पून, ये वाला स्पून ले लेते हैं पैनकेक्स बनाने के लिए। एक एक स्पून डालती जाइए, डालती जाऊँ या एक एक करके बनाना है? दो इकट्ठे बन सकते हैं, दो इकट्ठे बन सकते हैं। अच्छा इसको राउंड बनाना होता है हमने ऐसे, जिसको स्कूप से भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास स्कूप। मैं इसीलिए तो वो मेजरिंग वाला स्कूप पकड़ रही थी क्योंकि उसमें से राउंड बन जाता है ना वो। हाँ। वाला हमारा परफेक्ट। थोड़ा सा ऑयल बीच में अगर आप नीचे लगाएं तो वो बेस्ट रहता है, चिपकेगा नहीं और पलटना आसान हो जाएगा।
मैं ना एक इसीलिए बना रही हूँ ताकि एक दफ़ा हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए कि हम कर क्या रही है। देखिए ना, इसको आप राउंड बड़े आराम से खुद भी कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने जिससे वो को आपने ओवर कुक करना होता है। और इसका जब नीचे से पक जाए उसकी तरीका ये है कि ऊपर इसके बबल्स आ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि निचला हिस्सा जो है इसका पक गया, वहाँ पे हम इसको टर्न कर दें। अच्छा, अब मैं आपके पैनकेक्स रेडी करती हूँ, बाकी की टिप्स हमारे साथ ज़रा आप शेयर करें बनाना से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हमने आपको एक बहुत ही मज़े का नाश्ता बच्चों के लिए, सुबह आप हर रोज़ उनको पराठे दे रहे होते हैं उससे तो बहुत ही बेहतर ये एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब वो भी दें, ज़रूर दें, बट मतलब थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके बच्चों को देते हैं तो बच्चे इन्जॉय भी करते हैं और सारी चीज़ें आपकी बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी सलीमी साहब के पास आपने पत्ता देखा, यह पत्ता जो उनसे है ना, इसमें आपको शायद अंदाज़ा यकीनन होगा, आप खुद माशाल्लाह पढ़ती रहती हैं कि इसमें ग्रीन टी से ज़्यादा EGCG होता है। क्या होता है EGCG? जो एक ग्रीन टी का न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कहा जाता है कि ये विटामिन सी से 100 times ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और विटामिन ई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम इसका बनाएंगे कहवा, ठीक है, और ये आपका जो जिन लोगों को ग्रीन टी पसंद नहीं है या जिन लोगों को थोड़ा सा तब्दीली चाहिए, वो ग्रीन टी के बजाय, तब्दीली तो सबको चाहिए, तब्दीली सबको चाहिए, ग्रीन टी के बजाय आप उधर आए ना, आप अपना वहाँ पे खेलें, मेरी चीजें उधर भी है ना, ये लेना, ये सही है, आ जाए आप मेरे पैनकेक को ना खराब करें, आपको पता है मैं खाने के बारे में मेरा कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये इसको दिखाना चाह रही हूँ, बबल्स बनने शुरू हो गए और वो अभी नीचे से कुक हो रहा है। हाँ जी, बाय द वे इसमें आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, इसी के अंदर आप थोड़े से चॉकलेट चिप्स अगर डाल दें तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बाहर के मुल्क में लोग यूजुअली बनाना एंड ब्लूबेरी पैनकेक्स बनाते हैं, बट ब्लूबेरी यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है और जिधर का फल जो है वहीं पे इस्तेमाल करें तो अभी नीचे से हो रहा है। अच्छा, ये जो सी टी है ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, आपके एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, प्लस ये कि ये नींद के लिए बहुत अच्छी है। सही। और इसको जो है हम थोड़ी देर पकाते हैं, ये जो है ना एडिबल नहीं होता, क्योंकि इसका फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कर सकते हैं कुक जरूर कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि थाईलैंड वगैरह में, उसकी भी लॉजिक ये है कि जब इसमें कोई गर्म चीज़ रैप करते हैं या उसमें कुक करते हैं तो वो जो उनसे एंटी ऑक्सीडेंट है वो उस चीज़ का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस वक्त ये आपका ग्रीन टी तैयार हो जाएगी, ग्रीन टी से मुराद केले के पत्ते की, तो हम इसमें चुटकी भर डालेंगे दालचीनी का पाउडर। तो क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ जी, छुरी से मैंने फ्लिप किया, जरा चेक करें। जबरदस्त, जिसके पास जो चीज़ हो वो उसी को यूज करता है। अच्छा, मुझे प्लेट दे दीजिए ताकि मैं पैनकेक्स बना बना के, मैं चाहती हूँ हमारी टीम भी इनको ट्राई करे। पैनकेक्स की कितनी एक अमेजिंग सी ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन हमारे पास, हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन, जी हाँ। ओके, सो ठीक है, तो ये ग्रीन टी जो हमारी बन रही है पत्ते के साथ, उसमें हमने थोड़ा सा लीमू भी डाल दिया। जब लीमू डाल देंगे तो ये आपका एक बहुत अच्छा वेट लॉस ड्रिंक बन जाता है। सही। ठीक है, सुबह निहार मुँह भी पिया जा सकता है और रात के टाइम पे भी पिया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, लेकिन वेट लॉस को हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है? वेट लॉस सुबह निहार मुँह आप इसका आधा कप पी लें, ठीक है, और खाने के रात को खाने के बाद इसको तकरीबन एक घंटे के बाद आप इस यही वाला कहवा पी लें, तो आपका जो सा है बेली फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा और वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए ना, हमारा पैनकेक जो है ये रेडी हो गया। इजी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड तरीका पैनकेक को तैयार करने का। थोड़ा सा ग्रीस कर लें ना, मैं तो आपको पता है विदाउट ग्रीस ही करती हूँ यूजुअली जब मैं घर पे बनाती हूँ। उसके बाद ना मैं उसके ऊपर फिर साइडों पे ऑयल डाल देती हूँ जब एक दफ़ा उसकी बेस बन जाती है। जब हम इसको अनग्रीस्ड करते हैं ना, फैसल भाई राज, मैं भी आपके साथ टिप शेयर करती हूँ, तो फिर आपको राउंड बनाने में आसानी होती है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं अभी शुरू में आपने की थी जिसका काम उसी को साझे, तो ये सही तरीका है बनाने का। मुझे एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना पसंद बहुत है, पैनकेक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। अब मैंने उसकी बेस बना ली जैसे मैंने बनानी थी पैनकेक की, राइट, और ये साइडों पे लगा दिया, तो अब वो चिपकने का भी कोई इशू नहीं है। ये देखें, जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, और मैं अगर आपको इसको फ्लिप करके दिखाऊंगी ना, तो आप देखेंगे कि इसकी बड़ी इवन किस्म की, अगर यहाँ से हमारे दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, ये देखें इसको, क्योंकि मैंने पतला बनाया है, सही वाला ब्राउन हो गया। वो मैं कह रही हूँ ना, वो मैंने अब आदत है एक चीज़ करने की, और बच्चों के लिए तो बड़ा रेगुलरली मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, पतले बनाने पतले बनाने, उसे फूल वैसे ही जाने, फूल जाने, उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। अब आ जाएंगे दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे आ जाएंगे, मैं तो पैनकेक्स बनाती रहूं जब तक आप अपनी साइडों पे। ये है बनाना फ्लावर, कितना खूबसूरत है, ठीक है, और इसकी हर चीज़ उनसे वो एडेबल है। अच्छा, ये इसके पेटल्स हैं, इसके पेटल्स ये,
ऐवें चबना शुरू कर? नहीं नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से पकाया जाता है। अच्छा, मैंने सुना था एक दफ़ा केले के फूल से सालन भी बनता है। बिल्कुल बनता है, ये इस तरह से ये इसकी परतें उतरती जाती हैं और ये अंदर से इसके फ्लोरेट्स निकलते जाते हैं। जब ये फ्लोरेट्स निकलते हैं, इनको आप इसमें ये देखें, अगर आप गौर से तो इसमें क्लोजअप अगर दिखा सकें, एक है जिसमें पोलन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये पोलन्स वाला जो उनसा हमारा स्टिग्मा है, इसको हम निकाल देते हैं। याद है स्कूल में सीखते थे स्टिग्मा थे, स्टिग्मा और ये साइड पे इसकी एक ऐसी लेयर सी होती है, इसको उतार देते हैं। अब ये आपका जो उनसा है पेटल्स कह लें, पेटल्स तो ये आपका एडेबल क्वालिटी की चीज़ बन जाती है, लेकिन स्टिग्मा आपने ज़रूर निकाला। अच्छा, बट इसको यूज़ कैसे करें? इसको यूज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से धोते हैं और इसका धोने का तरीका ये है कि दही वाले पानी में आप इसको भिगो के रख देते हैं, ठीक है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप इसका जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे बनाएं? उसको बिल्कुल अच्छा है कि इसको चॉप करें और जिस तरह से हम आम भुजिया बनाते हैं घरों में, उस तरह से उसकी भुजिया बनती है, तो ये खाई जा सकती है। ये जो उनसे हैं, इसके पकौड़े भी बनते हैं और इसके फ्राइज़ भी बनते हैं। तो आप इसके ऊपर हल्की सी कोई कोटिंग कर दें और इसके आप फ्राइज़ बना के खा सकते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं। इसकी अफादियत जो उनसी है ना, वो बतानी ज़रूरी है कि ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, जो खवातीन फीड करवा रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मिल्क को क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है, उसके अलावा कैसा है जायके में? नन्ना सा पैनकेक मैंने खा लिया। आहा, खुश शक्ल हसीन पैनकेक, अपनी तारीफ आपके तहत। जो नया बन रहा है वो ज़्यादा अच्छा बन रहा है पिछले। अच्छा, फर्स्ट पैनकेक बेचारा हमेशा मस्कीन सा होता है। ऐसे ही है बिल्कुल, हमेशा जो फर्स्ट पैनकेक होता है ना, वो बेचारा ज़रा मजलूम सा होता है। अच्छा, पैनकेक से अब हम जान छुड़ा लेते हैं, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपके साथ मज़ीद और टिप्स शेयर करेंगे। एंड ऑफकोर्स ये ज़रूर ख्याल रखना है, बाय द वे, पैनकेक बनाते हुए कि अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि कच्चा अंडा इसमें हमने डाला होता है तो बेहतर होता है कि वो फुली कुक्ड हो। तो ये हमारा बन गया थर्ड पैनकेक भी। चलें कम से कम हमारे टीम के कुछ लोग तो खा लेंगे ब्रेक के बाद। और बाय द वे, अगर इसमें कुछ आपने मीठा डालना है, वैसे तो मीठा है, अगर कुछ मीठा डालना है तो थोड़ा सा शहद ऊपर डाल दें, डाल दें, या फिर इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा जाता है मेपल सिरप के साथ। हाँ, वो मिल जाए ना, महंगा कितना होता है मेपल सिरप। ब्रेक के बाद वापस, अच्छा छुरी नीचे काटे तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक व्यूवर्स, मज़ीद और टिप्स और ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स मुमताज़ भाई से ये जानना ज़रूरी है, बहुत से लोग जो हैं वो सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं। जी जी, सिंगिंग की तरफ आने का सही तरीका क्या है? एज अ सीनियर ज़रा हमारे जूनियर्स को गाइड करें, क्योंकि बच्चों को शौक होता है गाने का, लेकिन वो कहते हैं कि हम चुटकी बजाएं और हम स्टार बन जाएं, हम एक वीडियो बना लेंगे और हम स्टार बन जाएंगे। थोड़ा सा उस पर बैकग्राउंड वर्क कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले जी, कि आपको जो म्यूज़िक जो है उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है म्यूज़िक टीचर जो है उसे आप कोऑर्डिनेट करें, म्यूज़िक सीखें, क्योंकि बेसिक जो है वो म्यूज़िक सीखना है। हमारे मुआशरे में आजकल जो एक बदकिस्मती कह लें कि हर बंदा कहता है कि रातों रात मैं सुपरस्टार बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक सीख के जो लोग आते हैं वो फिर प्रॉपर काम भी करते हैं, प्रॉपर उनका वर्क भी होता है। असल में लोग कहते हैं ना, मेरी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, मैं तो बचपन से गा रहा हूँ। जब मैं पूछती हूँ कि बेटे आप कब, या बेटी आप कब से गा रहे हो, वो मैं हमारे फैमिली में फंक्शंस होते थे, फिर हम स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते थे, पूछो कि बेटा आपके उस्ताद कौन है, सीखा किससे है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आवाज़ का अच्छा होना वो एक आपका एक प्लस है, लेकिन म्यूज़िक का सीखना जो वो ज़रूरी है, यानी कि पहले सीखें। अच्छा, उसके बाद क्या करें? अब आपने सीख लिया, फिर आप आगे किस तरह आएँ? उसके बाद फिर आप उसको जो है ऑडियो रिकॉर्ड करें, फिर उसका वीडियो करें, फिर उसको आप मार्केट करें, तो फिर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो है वो है आपकी लक, किस्मत, बेशक, क्योंकि आप जितना भी अच्छा कर लें, जब तक आपकी लक नहीं उसमें शामिल, तो आप फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ आपकी तो लक चल गई ना, लेकिन अमदाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वही तो बात है व्यूअर्स, हर इंसान हाई एंड जो है वो प्लेबैक सिंगर देखें, अल्टीमेटली तो हर बंदे की ड्रीम यही होती है जो सिंगिंग की फील्ड में आता है कि वो प्लेबैक की तरफ जाए। कॉन्सर्ट्स वगैरह अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअली तो ग्लैमर आता है जब आप जो हमारी ये सिल्वर स्क्रीन है उसके ऊपर आप परफॉर्म करें और गाएं। लेकिन खैर, बनाना की बात करें, केले के छिलके तो समझ आती थी, ये अंडे के छिलके क्यों हैं?
बस बशर फैसल अंडे से बना रहे थे केक और हमने कहा ये छिलका ज़ाया ना करें, हम इसको भी इस्तेमाल में लाते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल में लाएंगे और इसकी कीमत से क्या? आजकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आया है। बेशक। और कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द कैल्शियम के इतने सोर्सेज रखे हुए हैं कि हम उनसे फ़ायदा ही नहीं उठाते। अंडा हम खा रहे हैं, इसकी सफेदी और जर्दी, बाज़ लोग जर्दी निकाल देते हैं तो ये छिलका फेंक देते हैं, इसका कोई हम इस्तेमाल में नहीं लाते। तो हमने सोचा कि आज इसके छिलके का इस्तेमाल भी बताया जाए और केले के साथ बताया जाए। सही। ये छिलका, इसके अंदर ये एक झिल्ली सी होती है, ये देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सॉरी, हाँ ये झिल्ली जो है ये निकाल देनी है। अच्छा, आपका अंडा साफ हो गया। अंडा साफ हो गया। अच्छा, इसका तरीका ये है कि लीमू का पानी ले, उसके अंदर इस छिलके को बिल्कुल ये इस तरह बारीक करके उसके अंदर भिगो के रख देंगे। ठीक है, ठीक है। एक दो दिन के लिए इसको भिगो के रखें और फिर इसको इसके छिलकों को खुश करें और उसे आग पे जला लें। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ज़्यादा आग चाहिए। अच्छा, होती एक है। और सवाल अक्सर होता है, बॉयल्ड अंडे के बाद आप जब छिलका उतारते हैं तो क्या उसको भी यूज़ कर सकते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई कमी कोई कमी नहीं आती इसके अंदर, सिर्फ ये जब आपने इसको जलाना है उससे पहले इसकी झिल्ली उतारनी है बस अंदर वाली, ठीक है, जिस तरह आप उतार रही है। ठीक है, ये नींबू के पानी में भिगो कर की ज़्यादा अच्छी आसानी से उतर जाएगी। ठीक है, बट वैसे भी आप देखिए तो उतर रही है, आसानी से उतर जाती है। तो इसके छिलकों को जला कर तो इसकी वो जिस तरह कहते हैं ना एक राख बना लें, ठीक है, पाउडर करके रख लें इसको जला कर। ठीक है, तो ये बेहतरीन कैल्शियम का सोर्स है दुनिया में, एग शेल कैल्शियम के नाम से ये फरोख्त होता है। अच्छा, मैं आपको बड़े बड़े के बात बताऊं, अंडे के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी भी होती है। जी हाँ। देखिए, अल्लाह ताला कोई भी चीज बेतुकी या इलॉजिकल नहीं क्रिएट करते। आपके पास अगर अंडा है तो उसकी शेल के अंदर कैल्शियम है, तो उसके अंदर आपके क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी भी तो है। वो विटामिन डी जो है वो आपकी कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने में, जज़ब होने में मदद। जिनको कैल्शियम की कमी है, केला इस तरह ये काटेंगे, इसका जो राख है, राख जो है एक चुटकी इसके अंदर लगाएं और केले के बंद करें और खा लें। बच्चों को खिला दें, पता भी नहीं चलेगा। और ये इसके अंदर भी अपना भी कैल्शियम है और ये एग्शेल कैल्शियम जो है ना ये बेहतरीन सोर्स है नेचुरल कैल्शियम का। ऑसम। मैडम आप क्या बताएंगी हमें? हाँ जी, बनाना के साथ जो है वो फेस क्रीम हम बनाएंगे। अच्छा, फॉर ड्राई ड्राई और ग्लो नहीं है स्किन पे। देखिए ना, विंटर गुजरा है, अब मतलब टेल एंड पे ही है ना। हाँ, एक तरह से विंटर तो अब ये जो पूरा सीजन है हमारी स्किन ने बड़ा डैमेज फेस किया है हीटर्स की वजह से। हमने कहते रहे हैं पूरा हाँ। पूरी सर्दी आप लोगों को कि ना हीटर्स ऑन करें, ना इतना ज्यादा इस तरह के कमरों में बैठे, बट हम बैठ लेते हैं। हाँ जी, तो बनाना को आप इस तरह से मैश, राइप बनाना होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो फुल क्रीम ड्राई मिल्क डाल दें। अच्छा, फुल क्रीम ड्राई मिल्क कितना? फुल, हाँ जी, फुल टी स्पून, एक टी स्पून। हाँ जी हाँ, ये आप डाल दें और इसमें चंद कतरे आप ग्लिसरीन के, क्योंकि जो ग्लिसरीन है ये न्यूट्रलाइज करेगी स्किन के पीएच को, बैलेंस करेगी, ठीक है, ड्राइनेस को ख़त्म करती है। सही, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो बहुत ही अच्छा है आपके, मतलब बड़ा थिक ऑयल है। हाँ जी, तो मतलब तो सिर्फ एक ड्रॉप डालेंगे ये। हाँ। सही, ये आपकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रीम रेडी हो गई, जो कि आपकी जो एक ड्राई स्किन हुई हुई है और उसके बाद ड्राइनेस की वजह से ऐसे लग रहा है कि जो है ना झुर्रियाँ आ गई हैं स्किन में, ग्लो नहीं है किसी भी तरह से, तो ये बेस्ट जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसको आप जो है वो फेस, हैंड, फीट पे जो है वो फेस को वॉश करके लगाएं, 10 मिनट तक लगी रहे, फिर 2-4-5 मिनट मसाज करें और फिर सादे पानी के साथ चेहरे को वॉश करें। वो थोड़े जो सारा कुछ इसमें से अब्सॉर्ब होना होगा वो हो जाएगा जब आप पानी के कुछ छिट्टे। और बाय द वे, ये जब आपके बनानास जो हैं वो ओवर राइप हो जाते हैं, नहीं आपने खाने, नहीं इस्तेमाल करने, तो उनको वेस्ट ना किया करें। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है उनको यूज़ करने का। हाँ जी बिल्कुल। एलोवेरा जेल लाजमी, जुगन पौधा एलोवेरा का घर में लाजमी लगाएं, कुछ नहीं इसी भी में, इसी जी में, इसी के अंदर आप एलोवेरा भी डाल लें। और एलोवेरा आपका बालों का कोई इशू है, आपकी स्किन का कोई इशू है, हो रहा है कोई भी मसला, कोई एलर्जीज वगैरह हो रही है, एलोवेरा बेस्ट है। देखिए, आप अनलेस जैसे सिट्रिक चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको नॉन एलर्जी है जी, तो नेचुरल चीज़ें जब हम घर पे बनाते हैं ना उनको यूज़ करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स का बहुत कम चांस होता है, बहुत कम चांस, क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें कोई ऐसी केमिकल, कोई एसिड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका बेड़ा गर्क करेगी। इसीलिए तो हिकमत में आप जब हकीम के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि कहीं हमारा
सही के होने के बजाय हम ज़्यादा बीमार ना हो जाए, बल्कि बहुत से लोग जो खुदा ना खासा कैंसर के बीमार की बीमारी में मुब्तला होते हैं या किसी और इलनेस का शिकार होते हैं, तो वो उसके साथ सपोर्ट में हिकमत की भी सपोर्ट लेते हैं और नेचुरोपैथ्स की भी सपोर्ट लेते हैं हर्बलिस्ट की, कि भाई आप हमें कोई टोटके बताएं। कैंसर पेशेंट्स को फॉर एग्जाम्पल चीनी रोक देते हैं और उनको कहते हैं कि लेमन ग्रास का कहवा ज़रूर पिए, ये सब हिकमत से और नेचुरोपैथी से आई हैं चीज़ें। सो ये चीज़ें आपके सपोर्ट में आती हैं। आइए जल्दी से डॉक्टर फैसल के पास चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनके पास क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एक फाइनल उनके पास भी मुझे पता है कि टिप है, तो आइए फैसल भाई की तरफ चलते हैं। जी फैसल भाई, हम क्या बनाने जा रहे हैं? जी अब आपको बताता हूँ मैं कि केला जो सबको पता है कि मूड बूस्टिंग है, ठीक है ना, आपकी एंग्जाइटी को डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है और आपको एकदम खुशगवार मूड में लेके आता है। इसकी चाय जो उनसी है, छिलके की चाय जो केले का पील है, इसकी चाय अगर रात को आप सोने से एक डेढ़ घंटा पहले पीना शुरू कर दें तो कड़वी नहीं होगी थोड़ी सी, क्योंकि इसका थोड़ा सा अजीब सा जायका तो अजीब सा होगा, लेकिन यह है कि आप इसको पीना शुरू करें आधा कप, उसके बाद एक कप पे चले जाएं, तो ये कुछ दिनों के बाद आपका जो इंजोमनिया का प्रॉब्लम है, एंगजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो खासी हद तक इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपका कम होता चला जाएगा। अमेजिंग। तो ये हो गए हमारे सारे जो हमने आपको बनाना से, वैसे तो और बहुत सी चीज़ें बनाना से तो बहुत चीज़ इतनी चीज़ें कि आप मतलब जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ पे शुरू होती हैं बनाना के बेनिफिट्स। बट अब हमने अपने आखिरी मरहले की तरफ जाना है ब्रेक के बाद, और सॉन्ग का वादा है वो तो ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन जो फाइनल लुक तैयार की है हमने, एक हमने जैसे कि अगर आप मतलब कॉलेज में कोई फंक्शन है वहाँ पे आपने जाना है, या जनरली आपने किसी लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, तो आप ऑलमोस्ट नो मेकअप टाइप लुक, प्यारी सी एक लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां अभी खत्म भी नहीं होती पूरी तरह से, तो हम अपनी ना बाहर की तैयारी शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बनाना को मद्देनजर रखते हुए हमने येलो जोड़ा पहनाया। अच्छा होता यह है कि जो टिपिकल कलर्स होते हैं जैसे पिंक हो गया, रेड हो गया, तो इनमें तो आपको पता होता है कि भाई रेड पहना है तो थोड़ा सा रेड टिंट वाला आपने लगा लिया, या रेड लिपस्टिक लगा ली, लाइट आईज कर ली पिंक। अब जब कलर्स में आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप क्या लगाएं और क्या। वो तो एक बेसिक्स में जाते हैं ना वो वाले शेड्स, तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा पूरे फेस की जो है वो लुक जरा एक्सप्लेन करें। आप देखें हमने बिल्कुल इनकी मैट आईज की हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल जो है लाइट सा हमने आउटर कॉर्नर्स को डार्क करके मरून के साथ ही ब्राउन के साथ, और आगे हमने लाइट सा बिल्कुल मरून सॉरी ब्राउन दिया है, उसके बाद हमने इनका ब्लाशन थोड़ा सा डार्क किया, और लिपस्टिक क्योंकि आईज इनकी बिल्कुल मैट थी तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिप्स में लाइट पिंक से मैट से लिप्स की हैं बिल्कुल, ठीक है ठीक है, और ज़्यादा हाइलाइटर नहीं किया क्योंकि ये डे लुक है तो डे लुक्स में इतना हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल लाइट सा विंग्ड इनको लाइनर लगाया है और लाइट सी लैशेस हैं, और हमने आईलाइनर भी बिल्कुल हल्का सा विंग दिया ताकि आई लिफ्ट हो जाए, यहाँ से आई आपकी लिफ्ट हो जाए, बट मतलब इतना ज्यादा नहीं कि वो लगे कि जैसे तैयार हो गए। पता है आईलाइनर टू मच आप लगाए ना उससे भी अगला इंसान जो है वो थोड़ा सा ओवर लगना शुरू हो जाता है, बिल्कुल जरा सा आप ओवरडू अपने मस्कारा को कर दे या गलत वाले आईलैशेस लगा दे, गलत से मुराद ये कि अब आपने डे की लुक करनी है आप ओवर साइज की लगा दे तो बहुत बुरी लुक आती है। एग्जैक्टली। यू लाइक योर लुक? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप, ग्रेट जॉब। मेकअप बाय रीता को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, आई एम अ फॉलोअर माई सेल्फ और इसीलिए हम इनको बुलाते रहते हैं। देखिए हम जहाँ पे अपने एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को अपने शोज पे बुलाते हैं वहाँ पे हमें अपने यंग टैलेंट को भी प्रमोट करना है ताकि वो भी एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड, माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग तो काफ़ी अच्छी है, बट आई वॉन्ट के मेन स्ट्रीम में भी आपका मजीद और काम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग एंड यू लुक ब्यूटिफुल। और ऑफकोर्स हमारी जो एक टीम है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमेशा हमारी सपोर्ट में होते हैं, हकीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल भाई आप तो हैं ही रॉकस्टार।
मॉडलिंग की तरफ थोड़ा अपना रुझान करें आप, एंड देन ऑफ कोर्स नैयरापा। नैयरापा आपके साथ तो मेरा इतना पुराना साथ है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी आपसे घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारी। सो थैंक यू सो मच। बनाना पे आज हमने बात की, एंड आई होप कि बनाना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी। व्यूअर्स देखिए, केला एक अमेजिंग फ्रूट है, अमेजिंग फ्रूट है। एक कंप्लीट मील भी अगर आप कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। कभी कभी होता है कि तबीयत ख़राब, मतलब आप कहीं पे होते हैं, आपके लंच का टाइम हो गया, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, तो केला तो किसी भी मार्केट से आसपास मिल जाता है। तो एक बनाना खा लें तो कम अज़ कम एनर्जी भी बूस्ट हो जाती है, और एक ग्लास दूध और केला तो वैसे ही लोग कहते हैं कि बच्चों को डेली खिलाना चाहिए। आप लोग भी अगर हेल्थ के बेनिफिट्स ज़्यादा अवेल करना चाहते हैं तो बनाना का इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेके आए। और जो लोग कहते हैं ना कि उसका टेस्ट बड़ा अजीब है या वो ज़रा लिजलिज होता है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे कि फैसल भाई ने बताया, शेक के तौर पे आप ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं, पैनकेक्स जो आपने बनाने सिखाए। अगर ये नहीं ले सकते, इसके पत्ते का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके फूल का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके तने का फ़ायदा उठा सकते हैं। कम्प्लीटली इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रूट। अब यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करते हुए आज भाई कुछ मज़े का सुना दें, ताकि जाते जाते हमारे चेहरों पे आते आते जैसे मुस्कुराहट थी वैसे जाते जाते हो। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग इन द फ्यूचर फॉर यू एज वेल। ओवर टू यू भैया। वे कोई पट्ठियां ते पुन्नु दाने हो, दिल तेरे ना लाया तू जाने।